इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धर्मन दूसर सत्य समाना। प्रकट चारिपद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीन्हे दान करै कल्याण। ये धर्म है, धर्म वो जो हम धारण करें और जिए, धर्म तत्व। कई बार इस पर चर्चा भई है मानस के आश्रय में। मनुस्मृति में एक बड़ी अच्छी बात आई, आज मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है, संस्कृत का तो मुझे ज्ञान नहीं है इसलिए मैं नोट कर देता हूं। यज्ञो नृतेन क्षरति, यज्ञ का पुण्य झूठ बोलने से समाप्त होता है। तपः क्षरति विस्मया, विस्मय हो जाने पर जो हम तप करते हैं, साधन करते हैं, वो समाप्त हो जाता। आयु आयुर विप्र अपवादेन, आयु और बल यानी शक्ति और उम्र ब्राह्मण की निंदा पर समाप्त होते हैं। दानम च परिकीर्तनात्, और दान देने के बाद स्वमुख से उसका ही गुणगान करने पर उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अब ये विधि नहीं है, निषेध को सावधान किया गया है, इसको करना है उसको नहीं करना है। कोई भी यज्ञ हो, कन्यादान हो, आहुति समर्पित यज्ञ हो, अन्न क्षेत्र चलाने का यज्ञ हो, ब्रह्म यज्ञ हो, सदग्रंथों के बांटने का, हम उसमें किसी प्रकार का अनृत भाव अर्थात झूठ बोलते हैं तो उसका पुण्य नष्ट होता है। परंतु लोक मंगल की दृष्टि से कल्पना में लेकर उसको कर डालना, फिर साकार हो और चलता रहे, ये भगवान की कृपा से चलता है, मनुष्य के बस का नहीं है। कोई भी बड़ा कार्य क्यों न हो, स्वहित को तो कोई भी साध सकता है, हो परहित सबसे साधता नहीं। ये धर्म है, कुछ नहीं करना, दिन रात एक कार्य। हमको तो पर की चिंता है, स्व की चिंता नहीं, तो धर्म है। और कल आपसे निवेदन किया, धर्म कृति में हो आवश्यक नहीं है, परहित यदि मन में है तो मेरे प्रभु के श्रीमुख वचन है, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परहित बस जिनके मन माहे, तन तजिता जाहु मम धामा, तन तजिता जाहु मम
परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, जिनको जग कर्म में बाद में बसे, वचन में बाद में उतरे, मन में प्रथम उतरना चाहिए, क्योंकि हम आप अथवा कोई मन में जो होता उसी का पालन करते हैं, उसी का निर्वाह करते हैं और उसी से व्यवहार साधते हैं। मन में परहित का सोचना फिर वो कृति में उतरता है। कितना छोटा और दिव्य उदाहरण है, भगवान श्री रघुनाथ जी जटायु जी महाराज से कहते हैं, हे तात, तन छोड़कर आप मेरे धाम साकेत जाइए। कौन यज्ञ किया था जटायु जी ने, कहां पूजा करने गए थे? केवल गिद्धराज जटायु जी रावण दुर्दांत आतंकवादी दुनिया का उस युग का मां को ले जा रहा था, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उससे युद्ध लड़े और ये परहित व्यवहार में आ गया। भगवान ने अपना धाम प्रदान कर दिया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कवितावली जी में, दोहावली जी में लिखते हैं, मुवे मरे मरी हैं सकल घड़ी पहर के भी, लही न काहू आज लो गीधराज सोमीच। मर गए, मरेंगे कौन? सारे लोग। घड़ी प्रहर घटी बदी इसी के मध्य में, परंतु गिद्धराज जटायु जी को जैसी मृत्यु सुलभ हुई किसी को भय नहीं। लही न काहू आज लो गिद्धराज सोमी। अरे कैसी मिली? कुछ लोग जाते हैं तो घर वाले रोते हैं, कुछ लोग जाते हैं तो गांव वाले रोते हैं, कुछ लोग जाते हैं तो मोहल्ले नहीं, गांव नहीं, ब्लॉक तहसील जिला रोता है, कुछ लोग जाते हैं प्रदेश रोता है, कुछ लोग जाते हैं तो जगत रोता है। जटायु जी महाराज का कितना सौभाग्य है कि वो जा रहे हैं और जगत के स्वामी जगदीश रो रहे हैं। ऐसी मृत्यु किसी को मिली नहीं। केवल मन में बास हो तो व्यवहार में आ जाता है। हम करें आवश्यक नहीं है, परमात्मा कृष्ण मुख वचन है, परहित बस जिनके मन माही। मन का बास यहाँ नहीं है, यहाँ मनोमय कोश का बास है। मन का बास प्राण के अंदर रहता है, इसलिए जब प्राण निकल जाता है तो मन भी चला जाता है। और जीवन में केवल और केवल मन ऐसा है जो यहां भी है और आगे भी मिलेगा, पिछले से चला आ रहा है। पूज्य स्वामी जी गीता के अध्यवसायी है, गीता जी में सीधा सीधा यही सिद्धांत है, मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण यो। मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही अच्छे का, मन ही बुरे का, मन ही आने का, मन ही जाने का, मन ही खाने का, मन ही उपवास का,
मन ही लेने का, मन ही देने का। अरे जाइए, मेरा मन नहीं, नहीं देंगे, क्या कर लीजिए। अरे भाई देंगे क्यों नहीं, आप बुलाए थे। नहीं 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 देना ना, मेरा मन कह रहा नहीं देना। अब ये पता लगाना बड़ा सरल नहीं है कि ये मन जो आता जाता कहता सुनता रहता है, ये कहाँ मिलता है। खैर, पता लगाने की आवश्यकता भी क्या है, हम लोग ज्ञानी हैं नहीं, हम लोग तो भगत हैं। इतना मन में बिठाना है कि हमारे से किसी न किसी का परहित बने। बस परहित की सीधी परिभाषा है, जिससे हमारा रक्त संबंध न हो उसके हित में हम व्यवहार करते हैं तो ये परहित है। अरे महाराज, रक्त संबंध वालों को क्या करना, वो तो आपका कर्तव्य है श्रीमान जी, वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे फूल खाके करिए और चाहे डंडा खाके करिए। रक्त संबंधियों से व्यवहार करना आपका कर्तव्य है, वो तो जरूरी भी है और न करिएगा तो मजबूरी भी है। शायद ही कोई ऐसा हो, इतने लोग यहां बैठे हैं जिनके अपने संबंधी परिवारी जन अपेक्षा करते नहीं हैं, आप पूरा नहीं करेंगे तब भी वो हड़काएंगे, कर देंगे तब आंख दिखाएंगे, न करिएगा तो क्या करिएगा। वो कर्तव्य मिला है, स्कंद पुराण में इसको पोष्य वर्ग कहा गया है। बेटा बेटी, भतीजा भाई, चाचा भांजा, फूफा मामा, जीजी जीजा, साले, रिश्तेदार नातेदार, दामाद के भाई के दामाद, दामाद के फूफा के दामाद, ये सब कर्तव्य है, ये धर्म नहीं। इसको करना जरूरी भी है, मजबूरी भी है। धर्म क्या है, ये पंक्ति, परहित सरी धर्म नहीं भाई, परहित सरी पर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं लागी, तजई जो देही परहित लागी, तजई जो देही संतत संत प्रशंसहिते, संतत संत परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं परहित। जो सोचता है, व्यवहार में करता है, निरंतर संत साधक कोविद विज्ञानी ज्ञानी लोग उसकी प्रशंसा ही करते रहते हैं, यह भाव हमारे चित्त में आवे, अवतरित हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।